बीजेपी के बडगाम के नए जिला अध्यक्ष हकीम रहुल्ला गाजी का कहना है कि बीजेपी एक हकीकत है और बीजेपी दूसरी पार्टियों की तरह झूठे वायदे नहीं करती। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिला है। आज तक जो कुछ भी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का या करना है या कराया है, तो उन चीजों को तोड़ करने के लिए मेरे ख्याल से लोगों को भी ये बात समझ में आई है कि अब तो ये खोखले नारे जो है वो खत्म हो चुके हैं। लोग तो कोई भी दायरे में अब आएंगे, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना काम किया है कि कहने की बात नहीं। तो अगर अगर जो आज एक रेवोल्यूशन जैसा आया है, इतने काम किए, तो मेरे ख्याल से वो खोखले नारे पीडीपी और निर्गम वो खत्म हो चुके हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो यहाँ कश्मीर में तो थोड़ा बहुत अभी तो कमी थी, उस कमी को बराबर करने के लिए और एक बेहतरीन मुस्तकबल बनाने के लिए ये आप देख रहे हैं जो कुछ भी आज चल रहा है। एक ईमानदारी है बीजेपी में, ईमानदारी है। हम हर सेक्टर में देखें, मेडिकल सेक्टर हो, रोड डेवलपमेंट वाला स्ट्रक्चर हो, बिजली का स्ट्रक्चर हो, रोड्स एंड एविएशन का हो, कनेक्टिविटी का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, जीने से मरने तक जहां जहां एक इंसान को जिस चीज की जरूरत है, आपको हर जगह जो एक खास इंपैक्ट नजर आ रहा है वो इसी पार्टी ने तो दिया है। लोग समझते हैं, क्या कहते हैं, पब्लिक नोज एवरीथिंग। जब मैं समझता हूं एब्रोगेशन के बाद इस वक्त लोग बहुत ज्यादा खुश आपको नजर आते, सुकून की ओर चले आए।